दोस्तों आप कहीं भी सर्विस करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट जॉब, स्कूल हो या कॉलेज, कहीं भी आप सर्विस करते हैं और आपका है कंप्यूटर वर्क, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी दोगुनी बढ़ जाती है कि आप अपने जो भी डाटा है उसको आप सुरक्षित कैसे रखें। अब मान लीजिए आपके बॉस ने कोई भी आपको महत्वपूर्ण कार्य दिया है कि इस कार्य को आपको पूरा करना है और इसकी गोपनीयता को भी आपको बनाए रखना है। अब आप कोई वर्क करते हैं और आप चाहते हैं कि इस वर्क में कोई भी फेर बदल ना हो। अब ऐसी कंडीशन में आपको अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए शीट को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि उसमें पासवर्ड लगाना है। आपको पासवर्ड लगाना आता नहीं है, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि शीट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, अपने डाटा को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड किस प्रकार से लगाते हैं और पासवर्ड को आपको हटाना कैसे है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में शुरू से आखिर तक, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है। अब यहाँ मेरे सामने एक वर्कशीट ओपन है। इस वर्कशीट में एक टेबल बनी हुई है। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी वर्कशीट यहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाए, यानी कि इसमें पासवर्ड लग जाए, कहीं भी कोई चेंजिंग ना कर सके, ना यहाँ पे कोई कुछ टाइप कर सके। तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। सबसे पहले आपको जाना है होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद में आपको जाना है फॉर्मेट में और यहाँ से इसको प्रोटेक्ट शीट कर देना है। इसमें आपको पासवर्ड लगाना है। अब यहाँ मैं पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। इसके बाद इस ओके बटन को प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे आपको फिर से पासवर्ड को टाइप करना है। जो पासवर्ड आपने पहले यहाँ पे टाइप किया था उसी पासवर्ड को आपको फिर से टाइप करना है। ओके बटन को प्रेस कर देना है। अब यहाँ आप जाकर भी कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। देखिए, कहीं भी आप चेंजिंग करना चाहें, चाहे वो टेबल के अंदर हो या शीट पर, कहीं भी आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। आप जब भी चेंजिंग करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से आपके सामने एक विंडो ओपन होकर के आ जाएगी और आप कहीं भी चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपको किसी को अपना पासवर्ड नहीं बताना है। पासवर्ड को आपको भी सुरक्षित रखना है। यदि आप भी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप भी इस टेबल में कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते कभी भी। इसलिए आपको अपने पासवर्ड को कहीं भी लिख करके रख लेना है या पासवर्ड को आपको याद रखना है। जब तक आप किसी को अपना पासवर्ड नहीं बताएंगे, इस टेबल में, इस पूरी वर्कशीट में आप कहीं भी चेंजिंग नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं यहाँ से आप कोई भी चेंजिंग करना चाहें बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं कर सकते। सिर्फ शीट को आप देख सकते हैं, जो भी आपने यहाँ पे टेबल तैयार की है या वर्कशीट में, आप चाहें इधर भी आप चेंजिंग करना चाहें यहाँ भी नहीं कर सकते, यहाँ भी आप चेंजिंग नहीं कर सकते, कहीं पर भी आप चेंजिंग नहीं कर सकते। अब आप अपनी शीट से पासवर्ड को हटाना चाहते हैं, तो पासवर्ड हटाने के लिए आपको फिर से होम टैब में जाना है और फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। यहाँ से आपको अनप्रोटेक्ट शीट वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर से वही पासवर्ड टाइप करना है जो आपने पासवर्ड लगाया था। ओके बटन को प्रेस कर देना है। अब आप कहीं भी इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, जब भी चाहें आप इसमें जितनी भी चाहें चेंजिंग कर सकते हैं, कहीं भी चेंजिंग कर सकते हैं। पूरी शीट में आप कहीं भी टाइप करना चाहें कुछ भी टाइप कर सकते हैं इस तरह से। तो आप बाहर भी इसमें टाइप कर सकते हैं, यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो जो भी आप चाहें उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी फिगर को चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए एज को आपको चेंज करना है और एज को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो सिटी के नेम है उनको भी अगर आप चेंज करना चाहें तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ इनका जो इंटरेस्ट है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आप चेंजिंग करना चाहें इस टेबल में आप चेंजिंग कर सकते हैं। टेबल में ही नहीं, पूरी वर्कशीट में आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि शीट में पासवर्ड किस प्रकार से लगाया जाता है, पासवर्ड को कैसे हटाया जाता है। आपको जाना है होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद में आपको जाना है फॉर्मेट में। यहाँ से शीट को प्रोटेक्ट करना है और यहाँ पे पासवर्ड को टाइप कर देना है। ओके बटन पे प्रेस करना है। फिर से पासवर्ड मांगेगा, वही पासवर्ड आपको टाइप करना है। लेकिन याद रखना है कि आपको पासवर्ड याद होना चाहिए। पासवर्ड को आपको लिख लेना है या फिर आपको याद रखना है। यदि आप पासवर्ड को भूल जाते हैं तो आप भी कोई भी चेंजिंग इस शीट में नहीं कर सकते। अगर आपको भी पासवर्ड याद नहीं रहता है, आपने किसी को पासवर्ड बताया नहीं है, तो आप भी इस शीट को ओपन नहीं कर सकते, ना ही इसको कोई और ओपन कर सकता है। यदि आपने पासवर्ड बता दिया तो कोई भी इसको ओपन कर सकता है। इसलिए अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखें, पासवर्ड को ना बताएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आपने पासवर्ड बता दिया तो आप अपने काम की गोपनीयता को नहीं बनाए रखेंगे, कोई भी इसमें चेंजिंग कर सकता है। इसलिए आपको अपने पासवर्ड को किसी को बताना नहीं है, आपको कहीं लिख करके रख लेना है या आपको याद रखना है। अगर आप फिर से इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप पासवर्ड को हटा सकते हैं। इसके लिए आपको होम टैब में जाना है, यहाँ से जाना है आपको फॉर्मेट में
अनप्रोटेक्ट सीट, और यहाँ फिर से आपको पासवर्ड को टाइप करना है। अब आप पूरी वर्कशीट पर कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं या कुछ भी टाइप कर सकते हैं आसानी से। आप यहाँ पे टाइप करना चाहें तो टाइप कर सकते हैं। जो भी आप चेंजिंग करना चाहें यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैंने आपको एमएस एक्सेल में शीट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, एनी शीट में पासवर्ड कैसे लगाते हैं और पासवर्ड को कैसे हटाया जाता है ये आपको बताया है। ये कमांड आपके बहुत ही काम की कमांड है। इस कमांड के द्वारा आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने काम की गोपनीयता को बनाए रख सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।